कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो सुबह सुबह आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों को ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। यस, एक्चुअली पहले मैं डेली व्लॉग करती थी, तो मैं हमेशा यहीं से स्टार्टिंग करती थी व्लॉग का। और उसके बाद तो बीच में इतने सारे फंक्शन ही होते गए, मतलब डेली व्लॉग करने का तो मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इतने ज़्यादा कंटेंट मेरे पास थे ऑलरेडी कि मुझे डेली व्लॉग करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ रही थी। सो चलिए उस सब चीज़ों को करते हैं साइड और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं यहीं पे। सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और दीदी बहुत दिनों से नहीं अभी आ रही है, तो सारा काम मतलब करना पड़ रहा है। छोटा बेबी है तो काम कुछ ज़्यादा हो जाता है, बट मैनेज हो जाता है कैसे भी। अब पे जो मेरा रूम है वहाँ का जो टैप वगैरह है वो सारा बहुत सारा सामान रखे हुए थे, बहुत गंदा हो गया है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज उसे साफ कर दूँ। देख लो क्या हाल हो गया इसका। एक्चुअली बात ऐसी हुई ना कि यहाँ पे दूध रखा हुआ था रात का, तो मुझे गलती से गिर गया, इसलिए मुझे ये सारी सफाई करनी पड़ रही है। और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी, क्योंकि पहले दीदी थी तो बहुत ज़्यादा मेरी मदद हो जाती थी, जिससे मुझे टाइम बहुत मिलता था, तो मैं इन सारे कामों को मतलब ईजिली कर लेती थी। बट अब दीदी नहीं आती है तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता इन सारे कामों का, क्योंकि जब आपके घर में छोटा बच्चा हो तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि इन सारे कामों को करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इन सारे कामों को करने के लिए एक दिन की छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए खाना पीना से। बट आज ऐसा वैसा था नहीं, वो जो दूध गिर गया जिसकी वजह से मुझे एक बहाना मिल गया साफ सफाई करने का, तो मैंने साफ कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो मतलब हो तो गया, बस सोचने से कुछ नहीं होता है, बस एक बार लग जाओ तो हो ही जाता है। ये ऊपर वाला तो फाइनली हो गया, अब नीचे कपड़े का सेक्शन देख लिया जाए। बहुत दिनों से कपड़े भी मैंने अच्छे से नहीं समेटे हैं, ऐसे तो मैं समेट के ही रखती हूँ और सबका अलग अलग सेक्शन भी रखती हूँ, बट हर किसी को अपने कपड़े ड्रेस निकालते टाइम सारा ड्रेस बिगाड़ना होता ही है। मतलब पता नहीं, सबका अलग सेक्शन बना देती हूँ बट फिर भी सारे कपड़े बिगड़ ही जाते हैं। एंड धीरे धीरे सारा काम हो ही गया, ये दोनों स्लैब तो हो गया, ऊपर वाला बच गया, वो कभी फिर टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। आज तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि आज मुझे खाना भी बनाना है, लंच की तैयारी मुझे सुबह ही करनी पड़ती है, बट आज मैं इन सारे कामों में बिजी हो गई तो मेरा लंच का लेट हो जाएगा फिर। मैंने लंच भी रेडी नहीं किया है और भी हो रहा है मेरा, और मैं इन सब कामों में लग गई, क्या करूं, ज़रूरत हो गई इसीलिए। एक्चुअली क्या हुआ था ना, दूध रखा हुआ था और गलती से मुझसे दूध गिर गया और पूरे सब जगह लग गया दूध, इसीलिए मुझे ये सफाई करनी पड़ी है। इसे नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता में रोटी बना रही हूँ। हमारे पास कौन है? ईशु है। कौन है? ईशु है ना। एक्चुअली नाश्ता बनाने के बाद मैंने खाना भी बनाया, लंच की तैयारी भी कर ली है, पूरा लंच भी बना लिया है। ओ खांसी हो गई। पूरा लंच बना के मैं फ्रेश होने चली गई थी, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाई गाइस, क्योंकि अब ये ईशु मैडम है ना, कब क्या इसको जरूरत पड़ जाती कुछ पता भी नहीं चलता। एंड अभी ईशु मैडम भी नहा ली है, नहाई नहाई करके आ गई है। ईशु मैडम ड्रेस पहनेगी, चलो नहीं, इसकी हंसी स्माइल, इसकी देखो, इसकी स्माइल देखो, इसको नहाने में, इसको जब मैं नहलाती हूँ तो बहुत रोती है, लेकिन नहलाने के बाद, नहाने के बाद बहुत हंसती है। इसे नहीं तो ठंडी लग जाएगी ना, देखो चींटी। हाय एवरीवन, इसी अभी नहाई नहाई करके आई है ना। एक फ्लाइंग किस दे दो। और मैंने ईशु का हेयर बैंड लगा लिया है, ये देख लो, और इसे पहचान गई अपने हेयर बैंड को। इसे ड्रेस चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। एंड फाइनली सी इज रेडी नाउ। और रेडी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने बाद में चेंज कर दिया था इसका टॉप। और उसके बाद मैंने देखो, मैं बुलाई इसको, मैं बुला रही थी कि आओ आओ कहाँ जा रही हो, और ये दौड़ के चली गई, मुझसे भाग गई दूर। इसने तो मुझे धोखा दे दिया, भाग गई चली। बच्चे के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, मतलब उसको नहला के तब से लगी हूँ और अभी तक सोई नहीं है ये लड़की। गाइस ईशु अभी लगभग 2 घंटे सो के उठी है और इसका चेहरा देखो कैसे हो रखा है, नहीं खुली है तो गई, नहीं नहीं नहीं, गुड इवनिंग हो गई है, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोल दो सबको, गुड इवनिंग गाइस। अभी भी आधी नींद में है ये,
मुझे इसे सुला सुला के ऐसे ही करके थोड़ी देर चलाना होगा। चल रही है, एकदम मौसम कितना अच्छा हो गया है। मैं और ईशु दोनों छत पे आ गए हैं। मैंने इसे पहले बादाम दिया खाने, तो ये नहीं खा पाई, काट ही नहीं पाई। उसके बाद मैं इसे कैश्यू दे रही हूँ, इसको भी नहीं खा रही, इतना गुस्सा में। और अभी खुद जब मैं दे रही थी तो कुछ भी नहीं खाई, और अभी खुद लेके बादाम ये खा रही है। बताओ, मतलब बच्चे भी ना बहुत बदमाश होते हैं, इनको ज़्यादा केयर करो तो इनको और ज़्यादा पैम्पर चाहेंगे और गुस्सा करेंगी। तो बादाम अभी कैसे खाया जा रहा है? बादाम भी इसकी नींद नहीं पूरी तरीके से टूटी है। ऐसे जगह छत पर आ गई हूँ, बहुत अच्छी हवा आ रही है और मौसम भी अच्छा ही है, साफ मौसम है एकदम से। क्या हो गया? क्या? अच्छा तिती, तिती नहीं दिखाई दे रहा। तिती नहीं है ईशु, मैं कहाँ से लाऊं? ये जितनी भी बर्ड होती है ना, जितने भी उड़ती है, सबको तिती बोलती है। हाँ, एक तिती दिखाई दिया मुझे। देखो उस टावर पे एक तिती बैठा हुआ है। ईशु देखो उधर एक टावर पे बैठा हुआ है तिती। अब पता नहीं वो, हाँ देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो तिती। देखा, मैंने बोला था ना बिजी रहो, तिती तो उड़ गई। ये देख लो, मैं तब से उठाने की कोशिश कर रही थी, नहीं उठी। और एक क्या बात हुई ना कि बगल से रोड से डीजे पास हो रहा था, शायद अभी वेडिंग का सीजन है तो इसलिए, और उससे सुन के एकदम से उठ गई। मैडम बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये जब रोने लगती है ना तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास एक वो क्या बोलते हैं ना, वो सुपर आइडिया है। जब भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है तब करती हूँ मैं क्या कि इंस्टा अकाउंट अपना ओपन कर लेती हूँ एंड वहाँ पे इसके जितने भी सारे वीडियोज़ हैं मैं इसको दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। बस मैडम को कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद, उसके बाद ये चुप हो जाती है एकदम से। 20 मिनट हो गया है लेकिन वो चिड़िया उसी टावर पे अभी भी है। बातें करते करते टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुरंत अंधेरा भी हो जाएगा। मैं कपड़े उठा लेती हूँ। अब ईशु और मम्मा दोनों घर जा रही है। नहीं, हाथ पकड़ो बेटा, ऐसे नहीं उतरना, पहले हाथ पकड़ लो। यस गुड, वेरी गुड। ओ माई गॉड, 7 बजने वाले हैं, मतलब बाहर का नज़ारा बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे भी 6 बजे होंगे। देखो अभी सूरज भी अच्छे से नहीं ढला है एंड 7 बज गए। खाने की तैयारी करती हूँ रात की, नहीं तो ऐसे ही देखते देखते फिर 8 भी बज जाएंगे। चलो तो जल्दी से रोटियां बना लेते हैं एंड मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी डिनर की तैयारी। और मैं आटा वाटा लगा के गई थी इसलिए आने के बाद डायरेक्ट मैंने रोटियां बनाना ही स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत पतला रोटी बनाती हूँ बट कभी कभी मोटा बन जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी करने के लिए मोटा बना देती हूँ। ऐसे मैं बहुत पतला रोटी बनाती हूँ। मेरी सब्जी भी हो रही है। फाइनली रोटी कम्प्लीट हो गई है बन के, काम और सबसे मेहनत वाला काम तो हो गया एंड फाइनली ऑल डन। अभी सब्जी चढ़ी हुई है और सब्जी थोड़ी देर में हो ही जाएगी खुद से ही। एंड अभी मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए, उसको बॉयल करना है, नहीं तो फिर रात का दूध अभी बॉयल नहीं करती हूँ तो सुबह तक मतलब ख़राब हो जाता है दूध, इसलिए इसको भी बॉयल करना पड़ता है। उसके बाद फाइनली मैं अभी निकाल रही हूँ 1 गिलास ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लूँगी, हल्का सा सिर्फ ठंडा पानी मिलाऊँगी ताकि बहुत ठंडा ना हो, क्योंकि एक बार मैंने रात में पी लिया था ठंडा पानी, उसके बाद मुझे बहुत दिनों तक खांसी रही थी, इसलिए वो गलती मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ। सो ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है अच्छे से और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।